हूँ फ्रेंड, अभी डेट हो रहा है 15 अक्टूबर 2024 और मैं एक निकल चुका मुंद्रा के लिए। फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि का टाइम था तो अपना गाड़ी अपने घर पे ही छोड़ के वहाँ पे खड़ा कर दिया था। थोड़ा मोबाइल में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे और अभी फाइनली सॉल्यूशन हो गया है। मैं अभी घर से निकल चुका हूँ और अभी आ रहा हूँ मुंद्रा लोडिंग करने के लिए। आप देख सकते हो अभी मेरा गांव चांदोरा से निकल गया हूँ, अभी अपना गाड़ी है खाली। आप देख सकते हो साइड में कंटेनर चल रहा है और मुंद्रा यहाँ से 25-30 किलोमीटर है। अभी देखते हैं क्या माल लोड होता है। अभी यहाँ से जाएंगे तो अभी ट्रांसपोर्ट वाले का फ़ोन आया था मेरे पास, तो मोरबी का बोल रहे थे, अभी वहाँ जा के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी बारिश जैसा मौसम भी होने लग गया है और देख सकते हो छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही है, लेकिन और कोई बात नहीं, हम अभी चले जाएंगे आराम से। अभी यहाँ से आगे मोखा टोल आएगा और टोल काट के फिर आगे जाना पड़ेगा। अभी देख सकते हो सामने गाड़ी रोड क्रॉस कर रही है और दो तीन गाड़ी रोड के बीच में खड़ी है। और फ्रेंड्स, अभी देखते हैं क्या माल लोड होता है और कहाँ खाली होता है, तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखना और आगे आगे देखते हैं। हेलो गाइस, अभी 2:22 हो रहा है और फाइनली मैं अभी आ गया हूँ, पर्ची कटवा लिया है मुंद्रा पोर्ट में। ये जो टी पॉइंट के पास में जो गेट के पर्ची काटा है, ये देख सकते हो FTWZ और ये पीछे पार्किंग है, पार्किंग में खड़ा करके ये पर्ची कटवा लिया। अभी अंदर डालने वाला हूँ, ये डंपर अभी बीच में खड़ा है, हो जाएगा तो फिर होगा। ये देख सकते हो सामने खंबा है और एक उधर पार्किंग है और ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो मुंद्रा पोर्ट जा रहा है। सामने हिंद सर्कल आगे है और टी पॉइंट इधर पीछे है और अपन यहाँ से गाड़ी डालेंगे अंदर, फिर देखते हैं कहाँ पे लोडिंग होता है, तो चलते हैं अंदर। फाइनली फ्रेंड्स, अभी 3 बज गया है और हम आ गए हैं SEFS में और अपना गाड़ी यहाँ से लोड होगा। तो अब SEFS है, पूरा माल सब मिक्सिंग में पड़ा हुआ है, काटा भी हो गया है और कांटे का 500 रुपया पहले ही चार्ज लगा, फिर उसके बाद कांटा करके यहाँ पे खड़ा किया है। इस तरफ भी बहुत बड़ा गोडाउन है और सामने भी बहुत बड़े गोडाउन, तो अभी देखते हैं कब तक लोड होता है। और दूसरा गाड़ी और भी का है, वो भी हमारे साथ में ही है, वो भी अभी आ रहा है, वो रतनाल खड़ा था वहाँ से वो भाई लेके आ रहा है और हम दोनों साथ में ही लोड करके जाएंगे। तो अभी देखते हैं कब तक लोड होता है, तो आप पूरा हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली गाड़ी लोड करके निकल चुके हैं और अभी इन सर्कल और रास्ताबाद सर्कल सब पार कर लिया है और अभी रात का टाइम हो गया, देख सकते हो अंधेरा ज़्यादा है। अभी यहाँ से आगे जाएंगे, पंप पे डीजल लेंगे, फिर निकलेंगे। आप पूरा वीडियो देखना। अभी जंबो बैग भरा हुआ है, जो आपको खाली करेंगे उधर पूरा वीडियो दिखाएंगे। और अभी निकल चुके हैं यहाँ से, तो ये सामने कंटेनर यार्ड है और इधर पूरा कॉम्प्लेक्स है। अभी थोड़ा आगे पंप है, वहाँ से डीजल डालने का बाद निकल जाएंगे, ले जाएंगे आगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग।
मगर अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैं अभी मेरे काम से निकल चुका हूँ। रात को 9-10 बजे घर पे चला गया था, अभी निकला हूँ और ऐसा कुछ हुआ रहा है। ये भारत का पंप आया, आप देख सकते हो 11 बजे से निकल जाएंगे। ये भारत पेट्रोल पंप है सामने, भारत कंपनी का, और ये चित्रपा माता का मंदिर है। अभी थोड़ा अंधेरा है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बाकी सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। 11 बजे से निकल जाएंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, कहाँ खाली होता है। तो आप पूरा हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ समखेरी और यहाँ पे नाश्ता पानी कर लिया है और इधर खापरा और जलेबी था चामुंडा होटल पे। आप देख सकते हो सामने चामुंडा होटल है। वहाँ से नाश्ता पानी करके अभी निकलेंगे, पीछे टोल है और एक गाड़ी है वो चला गया है। मेरा एड्रेस कंफर्म नहीं था इसलिए मैं रात को घर पे रुक गया था, वो निकल गया था। तो अभी आराम से चलेंगे, अभी नंबर पार्टी वाले का आया नहीं है, जब नंबर आएगा कंफर्म होगा कि कहाँ पे जाने का, कौन से रास्ते से जाने का है, तो फिर निकल पड़ेंगे। अभी देखते हैं, मोरबी से पहले पहले कहीं रुकेंगे, तब तक कोई कॉन्टेक्ट मिल जाता है तो उसको पार्टी वाले को फ़ोन कर देंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी माड़िया ब्रिज के ऊपर और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और अभी जाम लग चुका है आगे, तो अभी आराम से जा रहे हैं। देख सकते हो आगे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है और थोड़ा रास्ता भी खराब है और ये पहले वाला पुराना पुल है और उधर थोड़ा वो सामने नया दिख रहा है, वो अभी रनिंग में और आधा तो इधर गिरा दिया है। देख सकते हो पुराना ब्रिज को तो तोड़ के गिरा दिया है, अभी ये एक सिंगल ब्रिज ही चालू हो रहा है। इधर तो है ही एक पहले से ही, अभी रनिंग चालू हो गया है गाड़ियों का, पता नहीं कब तक चलेगा। अभी आराम से जा रहे हैं, थोड़ी लाइन चल रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी ये पूरा पानी नमक वाला पानी है और गड्ढों का भी बीमारी ज्यादा है ये रोड पे। फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 12 बज रहा है और हम पहुंचे मोरबी और अभी ट्रैफिक बहुत है, ये देख सकते हो आने में जाने में दोनों तरफ ट्रैफिक लगा पड़ा है। ये मोरबी का मार्केट है, अभी आराम उससे सब गाड़ियाँ जा रही है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है मोरबी का, गर्मी बहुत है इधर, तो अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है लेकिन लाइन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे। अभी देख सकते हो आप थोड़ा चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है, सामने बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने मोरबी में रफाड़ेश्वर से राइट टर्न ले लिया है, जो मच्छू डैम के लिए रास्ता जाता है ना, वो रास्ते पे है और ये गांव है, देख सकते हो एक साथ में कितने जप है। ये गांव है
गांव में से एक छोटा रास्ता निकलता है जो मच्छू डैम नदी के पास से होकर निकलता है। तो अभी देखते हैं, अभी यहां से रफाड़ेश्वर से लालपुर वाले रास्ते पे जाएंगे तो इतना आगे शायद 8-9 किलोमीटर होगा यहां से। और ऐसा काम है, ये डंपर वाले दिन दड़ा करके जा रहे हैं तो आराम आराम से चलाना पड़ेगा। अभी मच्छू नदी भी आएगा बीच रास्ते में तो आगे देखते हैं। ये मच्छू डैम है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से उसका चालू हो गया है, सामने पानी दिख रहा है। पूरा मच्छू डैम का बांध है, यहाँ से ही चालू हो गया है। एक्टिवा वाले काके नंदी महाराज बैठा हुआ है सामने। यहाँ जोधपुर गांव है ये, और हम पार करते हुए सामने गेट दिख रहा है और ये इसका चौक है। मच्छू डैम सामने और ये मच्छू नदी है और इधर सामने बांध है, सामने आप देख सकते हो। पानी चल रहा है, फाइनली कंपनी में पहुंच गए हैं, ये देख सकते हो पेड़ सारे है, एक पुरानी गाड़ी भी खड़ा है और ये सब कंपनी है लेकिन पुराना कंपनी है। सब गोडाउन वोडाउन सब बंद पड़ा है, बगल में भी बहुत कंपनियां है। और अभी यहाँ पे खाली करेंगे, वो तो बोल रहे हैं अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज गया है तो लंच खाना खाने के लिए गए। अभी देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक हमारे को वेट करना पड़ेगा। उधर गेट पे 2 बंदे बैठे हुए, उधर पूछा मैंने तो बोलते हैं कि इधर रुको आएंगे अभी लंच करने गए। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अपना गाड़ी खाली हो गया है और अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर। और अभी बस ये मच्छू नदी के ऊपर पहुँचने वाला हूँ। ये टर्निंग आया, यहाँ से मारा लेफ्ट और ये सामने जो दिख रहा है मच्छू नदी है, इसका ब्रिज है। सामने बांध है, अभी अच्छे से दिखेगा क्योंकि सुबह में तो
अच्छे से दिख नहीं पाया था। सामने पानी है, बांध में से पानी निकल रहा है और ऐसा कि कुछ व्यू है। और अभी आराम आराम से चलेंगे और टेम्पो वाला आगे हो गया है। चलो तो फ्रेंड्स आगे मिलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ का लोडिंग मिलता है। अभी कुछ कंफर्म है नहीं, यहाँ से कच्छ में खाली खाली जाना पड़ेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आगे आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी बच्चों पार्क कर लिया हूँ और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ चौपड़वा और शाम होने वाला है। फ्रेंड्स अभी कोई ऑर्डर तो आया नहीं अभी तक, तो अभी देखते हैं, खड़ा करना पड़ेगा रात को और कहीं पार्किंग में रख देंगे, फिर जाएंगे घर पे। ऑर्डर वॉर्डर तो अभी कुछ लग नहीं रहा है। छोटे अंकुर कंपनी है नमक वाला, सब देख सकते हो, ये अंकुर कंपनी है। और आगे दो गाड़ी चल रहा है, दोनों के बीच में से ना गाड़ी जाएगा। ये सब कंटेनर मोरबी से आते हैं। कच्छ का बिजनेस 80% मोरबी से चलता है। मोरबी की टाइल सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। वीडियो को अभी यहाँ पे करते हैं और अभी मिलेंगे नई ट्रिप के साथ में। तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही हमारे को साथ सपोर्ट आप बने रखिएगा। और अभी नेक्स्ट ट्रिप में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।